नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा माध्यम है जो खरीदारों और बेचने वालों के लिए माल या सेवा को खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बाज़ार और एक्सचेंज का एक ऐसा संग्रह है जहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के इक्विटी या स्टॉक या शेयर्स का व्यापार होता है। यह व्यापार ऑफिशियली ऑनलाइन या ओवर द काउंटर बाज़ार के माध्यम से होता है। इससे कंपनी को पूंजी के बदले में इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर के ज़रिए हिस्सा देना होता है। दोस्तों, अब देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट ऐसी जगह है जहां कंपनीज पहली बार आईपीओ के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करती है। कंपनी के शेयर के ओपनिंग भाव उस कंपनी का कुल मूल्य और पब्लिक को जारी किया गए शेयर की संख्या पर निर्भर करता है। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर की सारी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। बायर्स और सेलर्स एक ही रूप से शेयर्स में व्यापार करने के लिए मिलते हैं। कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नियमों के आधार पर व्यापार करने की अनुमति है। यहाँ पे शेयर की कीमतें बाज़ार की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। ये थे ट्रेडिशनल मार्केट के कुछ पॉइंट्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या है। ई ट्रेडिंग ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक तरीका है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें कोई बायर और सेलर नहीं मिलते या कोई पेपर की लेन देन नहीं होती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनता है, जिसके माध्यम से बायर और सेलर्स एक साथ आते हैं। अब देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 1817 में शुरू किया। 1971 में नैसडैक स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। इंडिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं, जैसे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो 1875 में शुरू हुआ, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 में शुरू हुआ, ICSE इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो 1998 में शुरू हुआ, MSEI जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो 2012 में शुरू हुआ। अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। मुंबई में स्थित भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज, जिसे 1990 में स्थापित किया गया था, घरेलू और विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ अलग अलग शेयर होल्डिंग के साथ स्थापित हुआ था। यह हर कोई जो योग्य, अनुभवी और मिनिमम फिनेंशियल आवश्यकताओं को पूरा करता हो उसे व्यापार करने की अनुमति देता था। अब देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी बाज़ार, जिसे 1875 में शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसने देश के पूंजी बाज़ार में रिटेल लोन मार्केट और भारतीय कॉरपोरेट के क्षेत्र को विकसित करने में मदद की। अब देखते हैं दुनिया के कुछ बड़े स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। NYSE यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसका मार्केटल कैप 21,377 अरब डॉलर्स है। नैसडैक यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसका मार्केट कैप 9,585 अरब डॉलर्स है। जापान एक्सचेंज ग्रुप जो जापान में है, 5,974 अरब डॉलर्स उसकी मार्केट कैप है। और आखिरी में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो चाइना में है, उसका मार्केट कैप 5,043 अरब डॉलर्स है। धन्यवाद दोस्तों, आपको छोटी सी टिप्स जो स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने दी है, ज़रूर हमारे
चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7676763111 में, और हमें आप मेल भी कर सकते हैं joinus@aliceblueindia.com में। धन्यवाद।